जियोग्लिम G2 टैबलेट इसे टाइप 2 के डायबिटिक में दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि कैसे इसका बेनिफिट्स आपको मिलता है, कैसे इसका डोज होता है, कितना दिन दिया जाता है, और जैसे कि क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, क्या दो एक्टिविटी ऐड करके अपने आपको बेहतर रख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। तो जियोग्लिम G2 टैबलेट के बारे में जानते हैं। इसे जैक्सन फार्मा द्वारा बनाया जाता है और इसका जो पैक है वह 15 टैबलेट का है। कॉस्ट जो इसका है वह है ₹132। तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लिमपेरिडिन 2 mg, मेटफॉर्मिन 500 mg। तो जानते हैं मॉलिक्यूल कैसे वर्क करते हैं। तो ग्लिमपेरिडिन यह इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है, मेटफॉर्मिन या ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में हेल्प करता है, यानी ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। तो अब बात करते हैं इसे कब दिया जाता है। तो जब आपको टाइप 2 डायबिटिक रहता है जिसमें आपका हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है, जो हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से फ्यूचर में आपको इस तरह के अटैक आ सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ सकते हैं और आपको स्ट्रोक आ सकते हैं। और हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, नर्व डैमेज हो सकता है और आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो इस सारे को प्रिवेंट करने के लिए और आपका हाई शुगर लेवल जो रहता है उसे कम करने के लिए डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसका जो डोज रहता है ओडी डोज रहता है मोस्टली, और इसे खाना खाने के बाद लेने को डॉक्टर कहते हैं। आप बाद पहले भी ले सकते हैं लेकिन बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो आप बाद में ही लें, खाना खाने के आधा घंटा बाद। और जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो बंद करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में बताएं। और जैसे कि इसके बारे में आप जानते हैं कि क्या दो एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। तो दो एक्टिविटी में पहला एक्टिविटी जो है आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, जिसमें आपको ऐसे फूड को अवॉइड करना है जिसमें काफ़ी सकरा रहता है, यानी जो कि स्वीटनेस ज़्यादा रहता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक को आपको अवॉइड करना है, जूसेस अवॉइड करना है, लस्सी अवॉइड करना है, और आपको जंक फूड फास्ट फूड को भी अवॉइड करना है, राइस को अवॉइड करना है, पोटैटो को अवॉइड करना है। और जैसे कि एक्सरसाइज की बात करें तो आपको प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करना है, जिसमें रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग और योगा तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अगर आप ऐड करते हैं इस दो एक्टिविटी और इस मेडिसिन को लेते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलने लगता है और आपका हाई ब्लड शुगर लेवल वह कम हो जाता है और आपका जो दिनचर्या वह काफ़ी अच्छे होने लगते हैं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी फील कर सकते हैं, और जैसे कि अगर आपको कमजोरी भी हो सकती है, और जैसे कि आपका वेट गेन हो सकता है, और जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किया, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।